नमस्कार, मैं हूं परितोष और आप देख रहे हैं टीडी न्यूज पर बिहार नीति। और आज की इस एपिसोड में हम आपको बता रहे हैं, फिर से बिहार में पंचायत चुनाव के तारीखों की घोषणा 15 अगस्त के बाद कभी भी की जा सकती है। इसकी तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने विभिन्न जिलों से मतदान के शेड्यूल मंगवाने और उन्हें स्वीकृत कराने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में मतदान अंतिम चरण में होगा। चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार बिहार में मुखिया, ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के चार पदों पर मतदान M2 EVM के माध्यम से कराए जाएंगे। आयोग ने प्रत्याशियों की सूची तैयार होने के 48 घंटे के अंदर बैलेट पेपर की छपाई सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया है। इसके लिए पहले से ही प्रिंटिंग प्रेस को नियमानुसार चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर छपाई जिला स्तर पर कराई जानी है। विदित हो कि हाल में ही राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर दीपक प्रसाद ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे पंचायत चुनाव की तैयारियां जल्दी पूरी करें। जिन जिलों में आरक्षण को लेकर अभी तक अंतिम रूप से त्रुटि दूर नहीं की गई है, वहां उन्होंने एक सप्ताह का वक्त दिया था। राज्य निर्वाचन आयोग कई चरणों में पंचायत चुनाव कराने की स्वीकृति दी है। इसके बाद विभिन्न जिलों में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सूत्रों की माने तो बिहार में पंचायत चुनाव के तारीखों की घोषणा 15 अगस्त के बाद हो जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों में मतदान के शेड्यूल मंगाकर उसे स्वीकृत करना आरंभ कर दिया है। जो एक क्षेत्र बाढ़ प्रभावित नहीं है, वहां पहले मतदान होंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अंतिम चरण में मतदान होंगे। ऐसी व्यवस्था राज्य के सभी जिलों में की जाएगी। तो पंचायत चुनाव से अपडेट लेते रहने के लिए आप बने रहें टीडी न्यूज के साथ। तब तक आप देखते रहें टीडी न्यूज। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस न करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपके हक से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कंट्रोवर्सी की कोई न्यूज हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा टीडी न्यूज पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर।